आज से करीब 14 साल पहले यानी कि 2007 में PlayStation 3 रिलीज हुआ था और ये तब बहुत ही बढ़िया बहुत ही हाईटेक कंसोल हुआ करता था, 40,000 रुपए का आता था। एंड इनफैक्ट सोनी के हर एक PlayStation सीरीज का कंसोल जो है एक सक्सेसर रहा है। और आज 2022 में आपको सेम कंसोल 40,000 रुपए का कंसोल बहुत ही आसानी से सेकंड हैंड मार्केट में 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक का बहुत आसान से देखने को मिल जाता है। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपको 2022 में अगर आपको 5,000 से लेकर 8,000 रुपए में ये कंसोल मिल भी रहा है तो क्या आपको 2022 का प्लेस्टेशन 3 खरीदने चाहिए या फिर नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड मैं आपको कुछ बहुत ही सॉलिड रीजन देने वाला हूँ क्यों आपको प्लेस्टेशन 3 खरीदने चाहिए। और अगर आप 2022 में कोई PS3 खरीदते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको इस कंसोल के साथ फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज ये बहुत ही ओल्ड कंसोल है तो बहुत सारी चीजें इसमें जो है आउटडेटेड है जो आज के डेट पर आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक आपका माइंड टोटली क्लियर हो जाएगा कि आपको 2022 में या फिर 2022 में PlayStation 3 खरीदने चाहिए या फिर नहीं। सो लेट्स गो। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस। आज के मार्केट में PlayStation 3 बैन हो चुका है या फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुका है तो सेकंड हैंड मार्केट में आपको PlayStation 3 इतना सस्ता मिल जाता है कि इस कंसोल को जो है ऑलमोस्ट कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है, आपको ग्राफिक क्वालिटी से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको गेम प्ले से ज्यादा फर्क पड़ता है तो PlayStation 3 2022 में भी एक काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए। 6,000-7,000 रुपए में दूसरा कोई भी कंसोल या फिर PC या फिर एंड्रॉइड स्मार्टफोन नहीं है जो कि आपको इतना तगड़ा इतना बढ़िया गेमिंग करवा पाएगा, वो भी अंडर 7,000 रुपीज में लाइक द PS3 डज। 7,000 रुपए में आप रोध होकर PC बिल्ड कर पाओगे बट उसमें गेम्स नहीं चलेंगे। 7,000-8,000 रुपीज का जो एंड्रॉइड फोन आता है उसका ग्राफिक पावर इतना ज्यादा नहीं होता है कि आपको इतना अच्छा गेमिंग करवा पाए। और वैसे भी एंड्रॉइड फोन में इतने अच्छे अच्छे गेम्स आते ही कहां हैं। बात करें एक्सबॉक्स की तो यहां पे एक्सबॉक्स का जो गेम्स है वो यार उतने अच्छे नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक्सबॉक्स में जो एक्सक्लूसिव गेम्स आते हैं वो PS3 का एक्सक्लूसिव गेम्स के सामने कुछ भी नहीं है। PS3 का जो एक्सक्लूसिव गेम्स आते हैं वो यार अलग ही लेवल का होता है। तो एक्सबॉक्स इज अ नो नो व्हेन कंपेयर्ड टू अ PS3। सो 7,000 से लेकर 8,000 रुपए के रेंज में PlayStation 3 इज स्टिल द बेस्ट गेमिंग कंसोल इन 2022 एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। बात करें हमारा नेक्स्ट पॉइंट की वो है पोर्टेबिलिटी। PlayStation 3 इतना छोटा है, इतना कॉम्पैक्ट है, इतना पोर्टेबल है कि आप इसको बहुत ही आराम से अपने कोई भी स्कूल बैग में डाल के यहाँ पे लेके जा सकते हो। कहीं पर भी अपने नानी के घर जा रहे हो, दादी के घर जा रहे हो या फिर कोई होटल रूम में जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक HDMI केबल लेके जाना, ऑल्सो अपना कंट्रोल लेके जाना एंड कोई भी TV या फिर HDMI मॉनिटर के साथ इसको हुक कर दोगे तो आप अपने जो गेम्स हैं उसको ऑन द गो भी एंजॉय कर सकते हो। जहाँ भी आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप जो है PS3 को बहुत ही आराम से अपने साथ लेके जा सकते हो बिकॉज उसका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक मेरे हिसाब से 1.5 kg का होगा या फिर प्रॉब्ली 2 kg का भी हो सकता है। तो उसका जो वेट है वो काइंड ऑफ एक लैपटॉप जैसा है तो इट इज़ प्रिटी पोर्टेबल एंड दिस इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ गेटिंग अ PS3। इनफैक्ट आप इस PlayStation 3 को अपने डेस्क पे भी अगर रखते हो कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके से तो आपके डेस्क पर ये जो PS3 कंसोल है वो ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं तो काफी कॉम्पैक्ट कंसोल है। आप इसको वर्टिकली भी रख सकते हो या फिर आप इसको हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हो, आपका चॉइस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है ह्यूज गेमिंग लाइब्रेरी। अब 14 साल पुराना गेमिंग कंसोल है तो PlayStation 3 का जो लाइब्रेरी है वो भी काफी ह्यूज है। भर भर के आपको इस PlayStation 3 में गेम्स देखने को मिल जाता है इंक्लूडिंग सम बहुत ही अमेजिंग सोनी एक्सक्लूसिव टाइटल्स लाइक इनफेमस, उसके बाद गॉड ऑफ वॉर सीरीज एंड कुछ ऐसा सीरीज भी है जो कि आपको PlayStation 4 या फिर PlayStation 2 में देखने को नहीं मिलता है। उन गेम्स को खेलने के लिए आपको PlayStation 3 ही चाहिए होगा। एक लाइक गॉड ऑफ वॉर एसेंशन सिर्फ PlayStation 3 में अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पे इनफेमस 1 इनफेमस 2 सीरीज जो है यहाँ पे सिर्फ PlayStation 3 में अवेलेबल है, वो आपके लिए PlayStation 4 में अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव टाइटल्स हैं जो आपको PlayStation 3 में सिर्फ देखने को मिल जाता है जिसका मजा सिर्फ आप एक PlayStation 3 के साथ ही उठा पाओगे। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि सिर्फ GTA 5 के लिए इतने इतने महंगा महंगा PCs बिल्ड करवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं PlayStation 3 इज फुल्ली केपेबल ऑफ रनिंग GTA 5 एज वेल। इस PlayStation 3 में आपको GTA 5 भी देखने को मिल जाता है और इसका जो ग्राफिक है वो भी उतना ज्यादा बुरा नहीं दिखता है। ऑफ कोर्स अगर आप एक PC में या फिर PS4 में GTA 5 खेलोगे तो उसका जो ग्राफिक क्वालिटी है वो आपको थोड़ा बहुत बेटर मिलेगा या फिर मच बेटर मिलेगा एक PlayStation 3 से। बट जो लोग यहाँ पे गेमिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपको कैजुअली GTA 5 खेलना है, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको सिर्फ GTA 5 खेलना है, उसको यहाँ पे ग्राफिक प्रीसेट ग्राफिक क्वालिटी से उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता बिकॉज GTA 5 का जो गेम प्ले है वो भी अपने ही आप में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप जो है इस कंसोल में GTA 5 को भी बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हो। अगर आप इसको TV पे लगाकर गेमिंग करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप TV से थोड़ा बहुत दूर बैठ के गेमिंग करोगे तो उसका जो क्वालिटी है वो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे कम नहीं लेगा या फिर आपका इसका जो ग्राफिक क्वालिटी है वो आपको ज़्यादा कुछ बॉदर नहीं करेगा। इतना ही नहीं, PS3 में ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो कि PC में अवेलेबल है एंड उनको खेलने के लिए आपको अच्छे खासा ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है, जैसे कि वॉच डॉग्स, फार क्राई 4, ऐसे गेम्स को भी आप जो है PS3 में बहुत आराम से खेल सकते हो। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं
जैसे कि फीफा 22 और भी गेम्स जैसे पीसी में रिलीज होता था लाइक बुली, उसके बाद यहाँ पर रॉकस्टार के और भी बहुत सारे गेम्स, यूबीसॉफ्ट के कुछ गेम्स जैसे कि गोस्ट रिकॉन सीरीज या फिर और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो कि आप PS3 में खेल सकते हो अंडर 7000 रुपीज। अगर आप कैजुअली गेमिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर गेमिंग में एंटर करना चाहते हो, गेमिंग का मजा लेना चाहते हो, आपके पास बहुत ही पैसे कम है, आप मतलब थोड़ा पैसा से यहाँ पर शुरुआत करना चाहते हो, तो डोंट बिल्ड अ PC, गेट अ PS3 इंस्टेड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ गेटिंग अ PS3 राइट नाउ, दैट इज जेल ब्रेक। अब आप में से कुछ लोग बोलो है कि भाई PS3 तो बंद हो चुका है तो इसका CD कहाँ से मिलेगा, मतलब कहाँ से CD खरीदो गेम्स का, क्योंकि CDs भी यार काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, बिकॉज 14 साल का गेम्स है तो यहाँ पे CDs भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है एंड बहुत सारे CDs का तो यहाँ पे डैमेज भी हो चुका है। एंड ऑनेस्टली बताओ तो यहाँ पे ऑनलाइन में अब PS3 का CDs बहुत ही रेयरली मिलता है या फिर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो इसमें गेम्स कैसे खेलें? तो मैं आपको बता दूं कि आपको CD खरीदने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PS3 का हर एक मॉडल, चाहे आप फैट मॉडल ले रहे हो, उसके बाद स्लिम मॉडल ले रहे हो या फिर सुपर स्लिम मॉडल ले रहे हो, मेरे पास एक्चुअली में ये सुपर स्लिम मॉडल है, उन सभी को जो है जेल ब्रेक किया जा सकता है। बात करें फ्रेमवर की तो यहाँ पे जो लेटेस्ट फ्रेमवर सोनी ने कुछ दिन पहले यहाँ पे रिलीज किया था जो कि था 4.89, उसको भी यहाँ पे जेल ब्रेक किया जा सकता है। तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ तो आपको एक प्लेस्टेशन 3 लेने के लिए फ्रेमवर वर्जन का ज़्यादा कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे के सारे फ्रेमवर जो यहाँ पे जेल ब्रेक हो चुका है एंड सारे के सारे मॉडल्स जो जेल ब्रेक हो चुका है, तो आप कोई PS3 खरीद रहे हो सेकंड हैंड यूज या फिर थोड़ा कम यूज, वो सारे ही PS3 को जो है आप जेल ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद गेम्स को डाउनलोड करके अपने हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करके बहुत ही आसानी से कोई भी गेम को खेल सकते हो, इंक्लूडिंग सोनी PS3 टाइटल्स एंड जितने सारे PS3 गेम्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है PS3 में, वो सभी गेम्स का मजा जो है फ्री में उठा सकते हो PS3 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। एक प्लेस्टेशन 3, एक प्लेस्टेशन 4 एंड PC से काफ़ी कम यहाँ पे पावर जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको हर रोज़ पापा से बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा ये वाला जो डायलॉग है वो आपको नहीं सुनना पड़ेगा। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ या फिर टिप्स दे दूँ, जो PS3 का सुपर स्लिम मॉडल है वो फैट मॉडल से या फिर जो नॉर्मल स्लिम मॉडल है उससे कम पावर जनरेट करते हैं, यानी कि फैट मॉडल सबसे ज़्यादा यहाँ पे पावर जनरेट करते हैं, उसके बाद जो स्लिम मॉडल है वो थोड़ा कम पावर जनरेट करते हैं एंड जो सुपर स्लिम मॉडल है जो कि ये वाला मॉडल है ये सबसे कम पावर जनरेट करता है। तो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत बिजली का बिल थोड़ा सा और बचाना चाहते हो तो आप जो एक सुपर स्लिम मॉडल खरीदें इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फैट मॉडल। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत इस कंसोल का या फिर PS3 का ग्राफिक क्वालिटी के बारे में, कि अगर आप इसमें गेमिंग करते हो 2022 में तो आपको ग्राफिक क्वालिटी कैसा मिलता है। वेल PS3 आपको 1080p यानी कि फुल HD रेजोल्यूशन में 3260fps का आउटपुट देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसमें कौन से गेम्स खेल रहे हो, बिकॉज जो थोड़े हाई ग्राफिक वाले गेम्स है वो आपको 30fps का आउटपुट देगा और जो थोड़े लो ग्राफिक वाले गेम्स है उसमें आपको 60fps का आउटपुट देखने को मिल जाता है PS3 में। तो एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचो, 7000 रुपये में आप जो 1080p लेवल गेमिंग कर रहे हो, ये यार अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो अगर आप PS3 को अपने कोई भी फुल HD TV या फिर फुल HD मॉनिटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो उसका जो ग्राफिक है वो उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता है, इट्स स्टिल क्वाइट प्लेबल। इनफैक्ट मैंने इस प्लेस्टेशन 3 को अपने 2K मॉनिटर के साथ यहाँ पे पेयर करके काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे गेमिंग करा था, मैंने बहुत सारे गेम्स खेले जैसे कि GTA 5, गॉड ऑफ वॉर, इनफेमस सीरीज भी मैंने खेला था और ये सारे गेम्स जो है उतना ज़्यादा ब्लरी नहीं दिख रहा था, काफ़ी हद तक यहाँ पे क्लियर दिख रहा था इवन इन 2K रेजोल्यूशन मॉनिटर, बिकॉज PS3 का जो यहाँ पे या फिर इनफैक्ट प्लेस्टेशन का जो यहाँ पे अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है वो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी वजह से अगर आप PS3 को कोई 4K मॉनिटर या फिर 4K TV के साथ भी पेयर करते हो तो आपको जो है काफ़ी हद तक स्मूथ आउटपुट मिलेगा या फिर स्मूथ ग्राफिक आउटपुट मिलेगा, आपको यहाँ पे शार्प एजेस या फिर उस तरीके का कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आपका जो ग्राफिक है वो काफ़ी हद तक स्मूथ दिखेगा एंड यू विल रियली लव एंजॉइंग गेम्स ऑन दिस PlayStation 3। तो हाई रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर्स जो कि 1080p से ज़्यादा है लाइक 2K या फिर 4K मॉनिटर्स, उसमें भी इसका जो गेम्स है वो काफ़ी हद तक शार्प दिखता है, तो आप अपने गेम्स को जो 2022 में भी PlayStation 3 में बहुत ही आराम से बहुत ही डिसेंट पिक्चर क्वालिटी में एंजॉय कर सकते हो। और जी नहीं, अगर आप इस PlayStation 3 को 2K या फिर 4K रेजोल्यूशन मॉनिटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो आपको साइड्स में ब्लैक बॉर्डर्स या फिर ब्लैक बार्स देखने को नहीं मिलता है, ये जो PlayStation 3 है ये ऑटो स्ट्रेच कर देता है पूरे ही स्क्रीन को यहाँ पे कवर करने के लिए। अनलेस यू आर अ हार्डकोर PC गेमर, आपके पास बहुत ही पावरफुल PC है, आपने उस PC में बहुत सारे गेम्स को जो है हायर क्वालिटी ग्राफिक प्रीसेट में खेल रखा है, तो आपको PlayStation 3 का ग्राफिक पसंद नहीं भी आ सकता है, अदरवाइज इट शुड बी फाइन फॉर एनी कैजुअल गेमर्स जो कि यहाँ पे गेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ पे जो गेम प्ले है उसको यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं। अब हम लोग PlayStation 3 का कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, कि अगर आप यहाँ पे 2022 में कोई PlayStation 3 खरीदते हो तो आपको किस किस तरीके का प्रॉब्लम इस कंसोल से फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है इसका ऑडियो आउटपुट प्रॉब्लम। PlayStation 3 में आपको किसी भी तरीके का 3.5mm हेडफोन जैक एक्सटर्नली या फिर कुछ आपके ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके का
एक्स्ट्रा करके ऑडियो जैक या फिर कुछ उस तरीके का आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। इसका जो ऑडियो है वो सिर्फ यहाँ पे HDMI के थ्रू यहाँ पे आउटपुट होता है। तो अगर आप इस PS3 को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, बिकॉज टीवी में ऑलरेडी यहाँ पे स्पीकर होते हैं जो कि HDMI के थ्रू यहाँ पे आउटपुट लेते हैं। बट अगर आप इस PS3 को अपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने कर रखा है, और मेरा मॉनिटर में जो है किसी भी तरह का स्पीकर नहीं है, तो आप इसके गेम्स का जो साउंड है उसको यहाँ पे आउटपुट या फिर किसी भी तरीके से हमें सुन नहीं सकते हो, बिकॉज इसका जो कंट्रोलर है वहाँ पे भी आपको किसी भी तरह का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, और ये जो कंसोल है यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह का स्पीकर देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप PS3 को अपने मॉनिटर के साथ यूज करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है अगर आपका मॉनिटर में कोई स्पीकर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपका मॉनिटर में एक 3.5mm हेडफोन जैक तो होता ही है, तो उसके जरिए आपको इसका जो ऑडियो है वो यहाँ पे आउटपुट लेना पड़ता है। वहाँ पे आप अपना हेडफोन लगा सकते हो या फिर किसी भी तरीके का यहाँ पे ऑडियो डिवाइस लगा सकते हो, जिससे कि आपको जो है PS3 का जो गेम्स का साउंड है वो यहाँ पे सुनाई देता है। बट अगर आप इस कंसोल के साथ अपने जो वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स है वो यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो? हालांकि प्लेस्टेशन 3 में ब्लूटूथ है, बट आप डायरेक्टली जो है प्लेस्टेशन 3 में अपना जो ब्लूटूथ डिवाइस है, ऑडियो डिवाइस, उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो, या फिर कनेक्ट कर भी लेते हो तो आपको जो है ऑडियो सुनाई नहीं देगा आपका हेडफोन से। तो उसके लिए आप जो है कुछ इस तरीके का ऑडियो ट्रांसमीटर यूज कर सकते हो, ब्लूटूथ ऑडियो ट्रांसमीटर, जो कि आपको अमेजोन पर बहुत ही सस्ता देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इसका जो ऑडियो जैक है वो आपके मॉनिटर का ऑडियो 3.5mm जैक में लगाना है, उसके बाद USB पावर से इसको यहाँ पे पावर कर देना है, और उसके बाद आपका जो ब्लूटूथ हेडफोन जो भी यहाँ पे आप इस प्लेस्टेशन 3 के साथ यहाँ पे यूज करना चाहते हो उसको ये वाला ब्लूटूथ ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट कर दो, एंड बैम, सडनली यू कैन कनेक्ट ब्लूटूथ हेडफोन टू द PS3 एंड गेट All the games audio output directly to your Bluetooth headphone. Best Buy link in the description. Thank me later. एक और प्रॉब्लम इस कंसोल को लेने के बाद आपको फेस करना पड़ सकता है 2022 में, वो है इसका outdated joystick. I mean the joystick is fine. यहाँ पर आपको बहुत सारे high tech features देखने को मिल जाता है. Looking at this console was released in 2007. इस कंट्रोलर में आपको gyro sensor देखने को मिल जाता है and और भी बहुत सारे features हैं PlayStation 3 का ये DualShock controller में. But it is using a mini USB port. And honestly, आज के डेट पर mini USB केबल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. मुझे बहुत ही मुश्किल से एक mini USB केबल मिला था मार्केट में, जो यहाँ पे सेल कर रहा था वो भी 250 रुपये का. और एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि mini USB केबल मिलना मुश्किल है, यहाँ पे आप ढूंढोगे तो यहाँ पे भगवान में मिल जाता है. बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे mini USB केबल यूज़ कर रहे हैं, और इसी वजह से ये वाला जो कंट्रोलर है वो आपके पावर बैंक से या फिर किसी भी तरीके का नॉर्मल पावर सोर्स से यहाँ पे चार्ज नहीं होता है. इसको चार्ज करने के लिए आपको इस कंट्रोलर को या तो आपके PS3 का जो यहाँ पे USB पोर्ट है वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या फिर आपके पास PC है तो उसका जो USB पोर्ट है वहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो कंट्रोलर है वो सिर्फ पावर पिंस को ही नहीं यहाँ पे डेटा पिंस को भी यहाँ पे काम में लेता है इसको चार्ज करने के लिए. तो यहाँ पे अगर आप डेटा पिंस यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा तो ये जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे चार्ज होना स्टार्ट नहीं होगा. तो ये एक काफी बड़ा इशू है कि अगर आपके पास एक ओरिजिनल PS3 का कंट्रोलर है तो आपको इसको चार्ज करने के लिए आपका PS3 को हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, या फिर आपका जो PC या फिर लैपटॉप है उसको यहाँ पे हमेशा ऑन रखना पड़ेगा इस कंट्रोलर को यहाँ पे चार्ज करने के लिए. बट डोंट वरी, मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है. आपको मार्केट में जितने सारे भी आज के डेट पर PS3 कंट्रोलर देखने को मिलेगा वो सारे ही चीप चाइनीज कॉपी है, देखने में एकदम सेम टू सेम है, बट वो जो है सोनी का ओरिजिनल कंट्रोलर नहीं है, एंड वो आपको कॉस्ट करता है अराउंड 400 से लेकर 800 रुपए तक का, डिपेंडिंग ऑन कि आप जो है कहाँ से परचेस कर रहे हो एंड किस तरीके का कंट्रोलर यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ. ऑल्दो मेरा ये जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे एकदम ओरिजिनल है, इसका जो बैटरी है वो भी यहाँ पे ओरिजिनल है, बट अगर आप इसका चार्जिंग प्रॉब्लम से यहाँ पे छुटकारा पाना चाहते हो या फिर जो चीप कॉपीज उसको खरीदना नहीं चाहते हो, एंड मैं बोलूँगा कि आपको चीप कॉपीज खरीदना नहीं चाहिए, तो आप जो है कुछ इस तरीके का थर्ड पार्टी कंट्रोलर यूज कर सकते हो जो कि एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आते हैं, जो कि रेडगेट की तरफ से भी आते हैं एंड बहुत सारे और भी ब्रांड्स की तरफ से आते हैं, जो कि आपको बहुत ही आसानी से 800 से लेकर 1000 रुपए तक का देखने को मिल जाएगा मार्केट में, एंड इनका जो बैटरी बैकअप है वो भी मच बेटर है इस तरीके के कंट्रोलर्स है. और ये जो सोनी का ओरिजिनल कंट्रोलर है ये ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होता है, और ये जो थर्ड पार्टी कंट्रोलर्स है ये 2.4 GHz रिसीवर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसका जो 2.4 GHz रिसीवर है उसको आपके PS3 का USB पोर्ट में कनेक्ट कर देना है, एंड बैम, आप जो इस कंट्रोलर को PS3 के साथ बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो. इनफैक्ट मैंने इसको टेस्टिंग भी करा था, सारे के सारे जो बटन है वो एकदम प्रॉपर्ली काम करते हैं, इनफैक्ट जो होम बटन है इसका वो भी एज अ PS बटन काम करता है. साथ में 2.4 GHz का कनेक्टिविटी है तो यहाँ पे आपको जो लेटेंसी है वो मच बेटर देखने को मिलेगा इस कंट्रोलर में एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल PS3 कंट्रोलर. और इस तरीके का जो कंट्रोलर्स है वो बहुत ही आसानी से कोई भी पावर बैंक या फिर कोई पावर सोर्स है टाइप सी या फिर माइक्रो USB पोर्ट के थ्रू यहाँ पे चार्ज हो जाता है. तो यहाँ पे आपको जो मिनी USB केबल है वो भी यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, एंड आपको अपने कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए आपका PS3 या फिर PC को जो है हमेशा ऑन भी नहीं रखना पड़ेगा अगर आप इस तरह का कंट्रोलर को यूज करते हो तो. सो इट्स अ बिग प्लस. एक और ह्यूज प्रॉब्लम की बात करें PS3 का, वो है इसका गेम इंस्टॉलेशन इशू. जी हाँ, PS3 में गेम्स को डाउनलोड करके तो आराम से खेल ही सकते हो, बट जेल ब्रेक करने के बाद PlayStation 3 का जो गेम इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैजुअल गेमर्स के लिए, बिकॉज PlayStation 3 जो है यार बहुत पुराना कंसोल है. तब NTFS या फिर XFAT का जमाना नहीं था, तब था यहाँ पे FAT32 का जमाना, एंड FAT32 का एक लिमिटेशन है कि आप जो है FAT32 फॉर्मेट वाले जो पेन ड्राइव या फिर जो मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड ड्राइव है वहाँ पर आप 4 GB से ज़्यादा वाले फाइल्स को जो है
कॉपी नहीं कर सकते हो, वो जो कॉपी नहीं होगा। बट अगर आपका PS3 FAT32 या फिर NTFS फॉर्मेट को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो आप जो है 18-18, 20-20 GB का फाइल्स को कैसे इंस्टॉल करोगे? तो उसका भी एक तोड़ है, या तो अपने गेम्स को 4-4 GB में स्प्लिट करके उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करो, जो कि यहाँ पे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। या तो आप इसमें NTFS फाइल फॉर्मेट सपोर्ट कराओ, उसके लिए आपको 2-4 ऐप्स भी डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि प्रेप ISO, वेबमैन मोड, मल्टीमैन, ये सारे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एक आम गेमर के लिए इतने सारे प्रोसीजर करना जो है यार काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट एक बार आप जान जाओगे इसका प्रोसीजर कि इसमें गेम्स इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बाद आपको आई होप कि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसका जो गेम इंस्टॉलेशन स्पीड है वो भी यार बहुत ही ज्यादा स्लो है। एक 20-18 GB का गेम को इसमें इंस्टॉल करने में लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो यार काफी ज्यादा स्लो है इसका गेम इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। तो ये सारी चीज आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अगर आप एक PS3 खरीदते हो 2022 में। एक और बात मैं आपको बता दूं कि PS3 में अगर आप खुद गेम लोड करना चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट एक लैपटॉप या फिर PC होना चाहिए। आप मोबाइल से भी यहाँ पे गेम लोड कर सकते हो PS3 में, बट उसमें जो है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। बट अगर आपके पास एक PC या फिर लैपटॉप है, वहाँ से आप जो है बहुत ही आसानी से अपने जो गेम्स है उसको PS3 में लोड कर सकते हो। बट अगर आपके पास PC या फिर लैपटॉप नहीं है तो आप जो है इसमें गेम लोड नहीं कर सकते हो खुद से, आपको यहाँ पे शॉप से करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास PC या फिर लैपटॉप नहीं रहेगा तो आप गेम्स को डाउनलोड कैसे करोगे या फिर उसको जो है हार्ड ड्राइव में पेस्ट कैसे करोगे, है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। बट डिस्पाइट ऑल द फ्लॉज एंड प्रॉब्लम्स, मुझे अभी भी लगता है 2022 में PlayStation 3 एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2022 में PS3 आप एक नया तो नहीं खरीदोगे, आप जो एक सेकंड हैंड ही खरीदोगे या फिर यूज्ड ही खरीदोगे 6-7 हज़ार रुपये का, तो आपका जो रीसेल वैल्यू है वो भी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और आपका लॉस भी काफ़ी कम होगा जब आप इसको रीसेल करोगे। और अगर आप एक कैजुअल गेमर हो, आपके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं है, अंडर 10,000 रुपीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गेमिंग चाहिए, तो आप जो है PS3 को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज 7,000 रुपये में PS3 जो आपको गेमिंग करवाएगा वो ना ही किसी भी तरह का PC आपको करवा सकता है, ना ही किसी भी तरह का एंड्रॉइड फोन आपको करवा सकता है। और निंटेंडो स्विच या फिर जो हैंडहेल्ड कंसोल है वो वैसे भी काफी ज्यादा महंगा बिकता है, और उसमें भी आप जो है PS3 इतना हार्डकोर गेमिंग नहीं कर सकते हो अंडर 7,000-8,000 रुपीज। PS3 में जितना टाइटल्स है ना, लगभग यहाँ पे 4,000 से ऊपर यहाँ पे गेमिंग टाइटल्स है जिसको कंप्लीट करते करते आपको सालों लग जाएगा। और 7,000 रुपए तो क्या, आपका 20-20-30-30 हज़ार रुपए भी यहाँ पे वसूल हो जाएगा। क्योंकि 1080p का रेजोल्यूशन है तो यहाँ पे आप ग्राफिक का मजा भी थोड़ा बहुत अच्छे से ले सकते हो। एटलीस्ट ये 720p नहीं है, 1080p अभी भी यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो आप जो है सारे के सारे गेम्स को 1080p में एंजॉय कर सकते हो। एंड इसका जो प्रॉब्लम्स है, इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स है जो कि मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, साथ ही साथ मैंने उनका सलूशन भी बताया है। ऐसा नहीं है कि आप जो उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत पैसा जरूर लगता है, लाइक कंट्रोलर के लिए आपको 1,000 रुपये पड़ेगा एंड आपका जो ब्लूटूथ ट्रांसमीटर है उसके लिए आपको 500 रुपये या फिर 400 रुपये पड़ेगा। तो 1,500 रुपये खर्चा करके आप PS3 को जो है थोड़ा बहुत मॉडर्न बना सकते हो एंड जो है अपने गेम्स को वायरलेसली एंजॉय कर सकते हो विद अ ग्रेट कंट्रोलर। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको इस वीडियो से एक्चुअली में हेल्प मिला है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ में इसी तरीके कुछ कंसोल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में घंटा वाला आइकन को दबा देना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। और मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसोल के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय।